Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. साप्ताहिक बैठक सांसदों की, उसके विशेष बैठक में 20 तारीख को जो प्रचंड जीत मिला भारतीय जनता पार्टी एनडीए को, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को सबने अभिनंदन किया। अभिनंदन के इस सिलसिले में माननीय गडकरी जी, माननीय सुषमा जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, उन्होंने भी अपनी बात रखी। आखिर में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा, ये अभिनंदन के श्रेय ये सभी बीजेपी, एनडीए और मित्र पक्षों के सांसदों को जाना चाहिए और उनका अभिनंदन होना चाहिए। और उन्होंने सबको बधाई देते हुए ये भी कटाक्ष किया, यानी जिन्होंने यह अविश्वास प्रस्ताव लाया और इतना राजनीतिक सूझबूझ और समझदारी के अभाव से बिना संख्या, बिना कोई तैयारी और तथ्य के साथ जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया और उसमें सरकारी पक्ष के खिलाफ अपने विचार रखा और सरकारी पक्ष को और हमारे सभी साथी सहयोगियों को देश के सामने विपक्ष के, कांग्रेस के पोल खोलने के लिए उनका कोकलापन दर्शाने के लिए जो अवसर दिया, उसके लिए भी उन लोगों को भी धन्यवाद। और मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो अविश्वास प्रस्ताव में अपना भाषण किया और राज्यसभा में आंध्र के बहस के बारे में उन्होंने जो अपना भाषण किया, वो भाषण सबदूर पहुंचाने के लिए कहा। प्रधानमंत्री जी ने अजी हाल में जब अफ्रीका के दौरे पर गए थे, वहां उगांडा में जब इन्होंने पार्लियामेंट से जिक्र किया वहां के राष्ट्राध्यक्ष के सामने और हजारों लोगों के सामने, सबने तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत किया और कहा, हम सबने इस अविश्वास प्रस्ताव का भाषण सुने हैं, यानी भारत में जो अविश्वास प्रस्ताव आया और उसको भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और मित्र पक्षों ने जैसे मुंहतोड़ जवाब दिया, आज के दिन में पूरा दुनिया के सामने एक बहुत चर्चित विषय है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में जो 125 करोड़ देशवासी उन्होंने समर्थन दिया और पिछले 4 साल जो सरकार की
साधनाएं है, अचीवमेंट्स है, उपलब्धियां है, उसका फलश्रुति माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण रहा और उसको जैसे देश भर में प्रतिसाद मिला उसके लिए देशवासियों को भी उन्होंने अभिनंदन किया। और सोनाल मानसिंह जी, रघुनाथ महापात्रा जी, रामशकल जी और प्रोफेसर राजेंद्र जी जिसको नॉमिनेट किया, राकेश सिंह जी जिसको भारत सरकार ने राज्यसभा में नॉमिनेट किया, उन सारे लोगों का। और पालघर से जो हमारे उपचुनाव में नवनिर्वाचित सदस्य आए हैं राजेंद्र गाविट, उन सब का भी अभिनंदन किया। देखिए, ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के बारे में लोकसभा में माननीय गृहमंत्री उसका बहुत स्पष्ट तरीके से जवाब दे चुके हैं। उस जवाब के बाद कुछ बचा नहीं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, होने हो रहा है और होने वाला है, वो उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हो रही है। जब ये है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है।